एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की राह में चीन रोड़े अटका रहा है, तो वहीं अदन की खाड़ी में फंसी चीन की नौका की मदद के लिए भारतीय नौसेना का जहाज सामने आया है। दरअसल अदन की खाड़ी में चीनी नौका फंस गई थी। नौका की बिजली पूरी तरह खत्म हो गई थी और उसमें कोई बैकअप नहीं बचा था। इस दौरान अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के खिलाफ गश्त कर रहे भारतीय नौसेना के जहाज INS ने चीनी नौका के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। चीनी नौका से मिले अलर्ट पर INS जहाज ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चीनी नौका की बिजली आपूर्ति बहाल की और 10 दिनों का राशन पानी उपलब्ध कराया। आपको बता दें कि यह घटना बीते शनिवार सुबह 9 बजे की करीब सलाला से 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुई। नौका कोलंबो से जिबूती जा रही थी और उसमें 2 चीनी नाविक सवार थे। चीनी नौका की मदद के लिए सामने आए नौसेना ने साफ कर दिया कि भले ही दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हो, लेकिन इंसानियत के तौर पर मदद के लिए भारत हमेशा आगे रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।